आपको कंग्रेचुलेशन, आपको इस गाने को लेकर काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा गाना है और काफ़ी अच्छे रिव्यू भी आ रहे हैं। ये गाना मैंने अपने खास दोस्त गुरनजर के लिए गाया है और गुरनजर ने पंजाब में इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, उसके बाद पंजाब से गाने हिट दे दे के फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया है, बॉलीवुड में गाने गा रहे हैं। अभी लास्ट उन्होंने अक्षय बाजी के लिए बहुत अच्छा गाना गाया था और गाने बनाते भी है, गाते भी है, लिखते भी है। तो ऐसे इतने मल्टी टैलेंटेड लोग ना हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे नहीं हैं और ये तो मतलब पंजाब से आके पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो तब मुझे पता चला कि मैंने इनके लिए गाना गाना है, तो मैंने बस बोला कि पाजी आप तो गाना भेजो, कोई सुनने उनने की बात नहीं हो रही, गाना करते हैं। और ये गाना इतना खूबसूरत है, इसे बहुत सारे लोगों ने इस पर मेहनत करी है, मैंने गाना गुरनजर के लिए किया है। और ये इनका एल्बम है, ये इनका एक ऐसा एल्बम है जहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स हैं, इन सब का नाम ही बताने वाले धीरे से, मुझे लगता है कि ये बताएंगे। द पहला सॉन्ग इस एल्बम का है, ये जो हमारा गाना है तू आ जाना, बहुत पंजाबी एंड हिंदी मिक्स लिरिक्स है इसके और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो जब मैंने गाने को सुना मुझे लग रहा था कि यार ये गाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे लगता है कि मैं इसको निभा पाऊँगा। मैंने पूछा कि आपको अच्छा लगे तो ही मैं इस गाने को गाऊँगा, तो इन्होंने बोला पाजी आप ही गा रहे हो इस गाने को, फिर मैंने इस गाने को गाया है और बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल, यू नो इसका वाइब बहुत ही देसी वाइब है और बहुत ही इंडियन रूट्स देखेंगे आपको इस गाने में। इसका वीडियो भी बिल्कुल वैसे ही शूट किया है, कोई इसमें कोई बहुत स्टाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं करी, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक, जो इंडिया में हमारे गाने चलते हैं जैसे चलते हैं बिल्कुल वैसा रखा है और बहुत म्यूजिकल है। काफ़ी बैंड मेंबर्स ने ज़बरदस्त प्ले किया है एंड गाना आज आपके सबके सामने है, बहुत ही अच्छे से रिलीज़ हुआ है गाना, बहुत जल्दी ट्रेंड कर रहा है और ऑडियो स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छा चल रहा है गाना। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारा कोलैबोरेशन फाइनली एक सबके सामने आया है एंड थैंक यू आप सब लोग यहाँ मौजूद हो बारिश में और थैंक यू। गुरनजर आपका कोलैबोरेशन के बारे में जानना चाहिए। मैं बिल्कुल, ये मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं अपने नाम से शो स्टार्ट करूँगा, इससे पहले भी मैंने एक शो बनाया था और बट छोटे होते से मैंने सोचा था कि कभी बनाऊँगा तो अपने नाम से बनाऊँगा एंड सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं मेरे भाई का। मैंने इनसे आज से कम 2 साल पहले हमारे फ़ोन पर बात हुई थी कि भाई हम गाना करेंगे, क्योंकि चीज़ों को टाइम लगता है, वक्त लगता है ना। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉल ही वॉज सो पॉजिटिव अबाउट इट, तो मैंने सोचा था, मैंने कहा अगर मैं शुरू करूँगा आई विल स्टार्ट विद हिम ओनली, विल बी द फर्स्ट आर्टिस्ट जिनका गाना मैं अपने शो में रिलीज़ करूँगा। और उसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जस्सी गिल पाजी, अखिल सचदेवा भाई, शर्ली सेतिया, मिलिन गाबा और मतलब देर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट ऑन माई शो। बट पता नहीं क्यों हमारा एक बॉन्ड ही ऐसा बना, तो मेरे दिल में था कि यार मैं शुरू करूँ, आई शुड स्टार्ट विद हिम ओनली एंड आई होप आपको जब भी हम जिसने अभी तक गाना नहीं सुना तो आप प्लीज़ सुनेगा एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस मैन टू यू। तो ही इज़ बैक बोन ऑफ माई शो, ही इज़ बैक बोन ऑफ गुरनजर लाइव, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिम। निखिल पाजी, ही इज़ फाउंडर ऑफ EYP क्रिएशंस एंड ही इज़ माई टीम, एवरीथिंग इज़ जो भी चीज़ें हुई हैं जो, क्योंकि मैं तो एक क्रिएटर हूँ, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसको क्रिएट करके एग्जीक्यूट करना, सब कुछ करना, वो पाजी की वजह से हुआ है। तो आई थिंक वो लोग आगे ज़रूर आने चाहिए जिनकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सब गाने सुनिए, बहुत सारी कोलेब्रेशन हैं, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं एंड सबसे पहला गाना पाजी का रिलीज़ हो चुका है, इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और ट्रेंड तो होना ही था। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वार्नर की पूरी टीम कोशिश कर रही है कि हम इसको बेस्ट टू बेस्ट प्रमोट करें और आप सबका दिल से शुक्रिया, आप इतनी बारिश में और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। बिल्कुल मैम, मेरा एक डेब्यू सॉन्ग था जो बॉलीवुड का था, वो बेल बॉटम मूवी में था अक्षय सर के साथ और उससे पहले भी मैंने कई आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम किया, नेहा कक्कड़, दिलजीत दोसांझ पाजी और अलीशा चिनाई मैम एंड स्टेवन भाई और पंजाब में भी जस्सी गिल पाजी, मैं सबके साथ भी, प्राग भाई, इन सबके साथ मेरे गाने आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बस कोशिश है आगे अच्छा काम करते रहें तो और नाम जुड़ते जाएंगे, हम काम करते रहेंगे। स्टीवन, जैसे आपने कहा था कि ये 90s का फील आ रहा है, मतलब गाने में जो है मतलब बहुत ही सिंपल एंड सिंपल है, तो कहीं ना कहीं 90s का एल्बम का जो मतलब जैसा हम सुनते थे 90s का, तो इस तरह का होंगे क्या है?
आई थिंक 90s का एल्बम जो जितने भी गाने होते थे वो गाने सुपर सुपर हिट है, वो आज भी चल रहे हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखोगे कि कितने भी गाने, कितने भी जॉनर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे इंडस्ट्री में, इतने गाने आ रहे हैं, बट फिर भी वापस घूम के सब वो 90s वाले गाने ही रिक्रिएट करते हैं और उसके अलावा वापस वैसे ही गाने के स्टाइल में गाने बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया का रूट है और यहाँ से ही सब चालू हुआ है। और जो सुनते हुए हम बड़े हुए, हम वो गाने ज़िंदगी भर आगे लेके जाएंगे। इनफैक्ट जब से मैंने गाने सुने और जिनको मैं सुनता हूँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ टाइम इन गानों को आगे लेकर जाऊँ। रही बात हमारी इस एल्बम की, इस एल्बम में सब एक पूरा मिक्स है। इस एल्बम में जितने गाने मैंने सुने, काफ़ी गाने मैंने सुन लिए क्योंकि बहुत सारे मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं जिनको इस एल्बम में वो ये लेकर आए। और ये जो गाना है इसमें काफ़ी इंडियन रूट्स भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी अर्बन भी है, कि अगर आप कोई एक नया बंदा इस जनरेशन का सुनना चाहेगा इस गाने को तो भी पसंद करेगा, चाहे वो कोई पुराना, जिसको पुराने गाने पसंद है वो भी पसंद करेगा, क्योंकि लिरिक्स बड़े सिंपल है। तू आ जाना, आप देखोगे थ्रू आउट द सॉन्ग एक सिंपलिसिटी है, गाने की वीडियो में एक सिंपलिसिटी है और म्यूजिकली गाने को बहुत सिंपल रखा है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं और वही इस गाने की सुंदरता है। और जो आपका क्वेश्चन था कि मैं जो बता रहा हूँ 90s के सॉन्ग, मैं दीवाना हूँ इनका, और जितने भी आर्टिस्ट रहे, चाहे वो कुमार सानू जी, उदित नारायण जी से लेकर किशोर दा, रफीक साहब के टाइम तक, सारे आर्टिस्ट मेरे फेवरेट है। मैं उन सबको बहुत मानता हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, तो मुझे जब भी मौका मिलेगा कुछ उनके लिए गाना, उनके साथ गाना या उनके गानों को गाना, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाना जाए। जी, मेरे को जो चीज़ लगती है म्यूज़िक के अंदर, मेरे शो का मकसद क्या है, मैंने 11 और आई थिंक देर आर 12 ओरिजिनल सॉन्ग्स, एंड आजकल आप सब देखते हो ना, बीट ग्रूव चल रहा है आजकल, हिप हॉप चल रहा है, रैप, हर चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो मैं, मुझे बचपन से मेलोडी सुनने का शौक था और मुझे बचपन से ही शौक था यार मेरे को मेलोडी बनानी है, मतलब ये मैंने क्रिएट करना है। तो मेरे शो का मकसद यही है कि अगर कोई भी बंदा, क्योंकि मैं बहुत सारे शोज फॉलो करता हूँ और मैं बचपन से उन्हें सुनता आया हूँ, तो मैं देखता हूँ हर सीज़न के अंदर ना एक या दो गाने अच्छे होते हैं, तो मतलब मैं उनको, उनकी पूरी प्लेलिस्ट नहीं लगा सकता, उसके लिए मुझे सीज़न स्किप करना चाहता है, तो करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे शो का एक एक गाना ऐसा हो जिसके लिए कोई बीच में से स्किप ना करे, वो पूरी एक प्लेलिस्ट बने। तो मेरी कोशिश ये रहती कि हमारी मेलोडीज़ इतनी प्यारी हो, क्योंकि मेलोडी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी पुरानी नहीं होती। आप 90s के गानों की बात करते हो, वो इसीलिए आज भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल थे, उनमें एक मिठास थी, वो कभी कानों के आपको चुभते नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, अब जैसे मेरे मदर हैं, है ना, वो आज भी उन गानों को ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं, वो कहते हैं यार देख ये आज भी सुनने में यूँ लगते हैं कि यार जैसे जो क्रेज़ तब था वही आज है, उसके पीछे सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि चीज़ों को जितना सिंपल रखें, आई थिंक वो उतनी लंबी चलती हैं। एंड भाई के लिए मैंने बहुत सारे गाने भेजे थे और मैं जेन्युइनली बताऊं, ही वाज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑन बोर्ड विद मी। तो मैंने भाई को सारे गाने भेजे थे, मैंने कहा आपको जो लगता है ना भाई, आप जिस पे जो आपको लगेगा कि मैं ये गाना करूंगा, मैंने कहा वो आपके लिए डन है। तो ही हिमसेल्फ सेलेक्टेड दैट सॉन्ग एंड ही सेड कि ये गाना बहुत प्यारा है भाई और मैं इसको दिल से करूँगा। फिर यूँ होता है, जो आदमी अपने दिल से एफर्ट देता है जिस चीज़ के लिए, उसकी आउटपुट ऑलवेज अच्छी होती है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सेवन भाई, आप आए और आपने शो की शोभा बढ़ाई। थोड़ा सा मैं आपको इनपुट देना पाऊंगा चाहूँगा गुरनजर लाइव के बारे में। आपने काफ़ी सारे ऐसे शोज देखे होंगे जो कि प्रोड्यूस करें किसी ब्रांड ने या किसी बड़े लेबल्स ने, जैसे कि कुक स्टूडियो या MTV Unplugged, आपने काफ़ी सारे शोज देखे होंगे। एक पहला शो है जो कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट ने खुद के चैनल पर बनाया, आज तक आपने कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा होगा जिसने खुद के चैनल पे इतना बड़ा शो प्रोड्यूस किया है। सो हम इस चीज़ के बहुत हमें खुशी है कि इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल लग गया हमें बनाते को, 12 ओरिजिनल ऑडियोज़ को। एंड अगर हम बात करें टचवुड पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री, आई थिंक आप गाने काफ़ी सुनते भी होंगे, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, इस टाइम पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर हम बात करें, हमारा शुरू से ये रहा है कि हम खुद ही अपने रस्तों पे चले हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट वहाँ से निकल के आ गए हैं उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है और इंडिपेंडेंट अपने चैनल्स पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट अपने कॉन्टेंट पर काम करते हैं। तो मकसद यही है कि खुद का शो क्रिएट करने का, कि खुद की चॉइस, खुद की इंडिपेंडेंसी,
और जो म्यूजिक एक्चुअल में लोगों को पसंद है. सो ये एक थॉट प्रोसेस था. जनरली मेरे साथ ऐसा होता है, हर गाने में होता है कि ये पार्ट मेरा फेवरेट है, ये पार्ट मेरा फेवरेट. अगर आप मुझसे पूछोगे थोड़ा थोड़ा प्यार में मेरा ये फेवरेट पार्ट है कि मैं सांस भी ना लूं तुझे चाहे बिना. इस गाने में प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जो मेरा फेवरेट नहीं है, क्योंकि जितने जितने पार्ट इंट्रोड्यूस होते गए वो पार्ट मेरे फेवरेट बनते रहे. सबसे पहला लाइन जो इस गाने का है, तू ही खुदा से पहले, मतलब और क्या कहूँ मैं, तू ही मेरे जीने की वजह, ये लाइन मेरी फेवरेट हो गई थी. उसके बाद फिर अंतरा आया, वो अंतरा भी इतना सुंदर आया. उसके बाद फिर इनने एक दूसरा पार्ट ऐड किया आखिरी में, मुझे सरप्राइज की तरह इनने बताया कि इनने ये पार्ट ऐड किया, वो पार्ट भी मुझे बड़ा फेवरेट लगा. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रील में कौन सा पार्ट बनाऊँ, मैं लिटरली सोच रहा हूँ, और ये भी कन्फ्यूज है कि कौन से पार्ट पे हम बनाए. क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि हमारे जो गाने हो गए हैं काफ़ी रील बेस्ड हो गए हैं, मतलब सॉरी टू से, ये हमारा इतना कमर्शियल वर्ल्ड हो चुका है ना. गाना रिलीज होता है तो सब कोशिश करते हैं कि यार ये पार्ट है इस गाने का, ये बहुत वायरल होगा, और लोग उस तरीके से उस गाने को प्रमोट कर रहे होते हैं लाइन्स को. मेरा थॉट ये है कि यार गाना पूरा सुंदर है और हर तरीके के लोगों को हर तरीके के गाने पसंद है, हर तरीके की लाइन पसंद है. तो आज नहीं पता आपको कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. तो मुझे तो सारे लाइन्स बहुत पसंद है, और यही खास बात है इस गाने की कि इस गाने की हर लाइन इतनी सिंपल और इतनी लाइन में, हर लाइन में एक सोल है. और यही इनकी खास बात है कि इनके जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, ज़्यादातर इनके गाने जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस होते हैं. और जब भी ये बात है कि मैं तो क्या, कोई भी इनको मना नहीं करता है. अब आप सोचो इंडिविजुअल एल्बम के लिए अगर हम लोग आए हैं और हम सब इतने लेबल्स के साथ काम कर रहे हैं, सभी लेबल्स के साथ काम करते हैं, बट एक इंडिविजुअल चैनल के अगर हम आए, उसका रीज़न ही है कि गुरु नज़र को कोई मना नहीं कर सकता, और वो कोई भी सिंगर हो, कोई भी मेजर डायरेक्टर हो, उसका रीज़न ही है कि गाने इतने अच्छे बनाते हैं. और इनका दूसरा जो लोगों को शायद ना पता हो कि इनका नेचर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि जो भी इनसे मिलता है वो इनसे प्यार करता है और इनके गानों से प्यार करता है और इनकी ये जो इंसान है उससे बड़ा प्यार करता है. तो इनको कोई मना नहीं कर सकता. कल इनका शो था, परसों इनका शो था बॉम्बे में, और मलाड की तरफ इनका शो था, और सारे इनके दोस्त आए, हमारे इंडस्ट्री के कितने फ्रेटर्निटी के दोस्त आए इनको सपोर्ट कर. मैं दिल्ली में था, शो करा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, बट सभी इनको सपोर्ट करने और प्यार देने गए. तो आई थिंक ये कमाया है गुरु नज़र ने. इसलिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आज यहाँ क्यों बैठा हूँ, तो मैं इसलिए बैठा हूँ कि ये जो प्यार है, इस दोस्त के लिए जो प्यार है, इस आर्टिस्ट के लिए जो प्यार है, इनके कला के लिए जो मेरा प्यार है, वो ही आज आपके सामने. आप बिल्कुल दोनों जो है बाद में कभी कुछ कोलैबोरेट करें? हमने ना इसके पहले जी म्यूजिक के लिए दो गाने कोलैब किए हुए, एक विखी जावा और दिल माहिया, जो काफी रिसेंटली रिलीज हुए. दोनों गाने मैंने दुबई में शूट किए थे, और वो गाने भी खास ये है कि इनने मेरे सामने घर पे बैठ के, हम लोग ये आए थे बॉम्बे आए थे, उनने बोला कि यार भाई मिलते हैं, मैंने बोला मिलते हैं, और जैसे ही ये बैठे हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, इनने ऐसे गाने बनाना चालू किए. ऐसे ये गाने ऐसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतने जल्दी मैंने किसी को गाने बनाते देखे नहीं, और ये इतने जल्दी गाने बनाते हैं और लिखते हैं, इनका थॉट इतना जोर से चलता है. और उसी वक्त दिल माहिया और वेखी जावा, ये दो गाने हमने किए थे, काफ़ी पंजाब स्टाइल के गाने थे, बट हमने इसको जी म्यूजिक पर रिलीज़ किए, तो वो गाने भी आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे. इनने कंपोज किए, मैंने गाया, मैंने शूट किया है. और इसके बाद मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें तैयारी करी. मैंने जब से इनके गाने सुने, मैंने बोला है कि यार कुछ फिल्मों में गाने कर रहे हैं, कुछ सिंगल गाने. तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किसने किया था मुझसे, आप वरुण शर्मा को जानते हो, हमारे जो जिनको हम चूचा बोलते हैं, वरुण शर्मा जो हमारे ज़बरदस्त एक्टर है. तो वरुण इनकी बहुत तारीफ करता था, जब मेरे पास आता था तो इनके गाने ही प्ले करता रहता था. तो मैंने सोचा यार एक बार तो मिलना पड़ेगा गुरु नज़र से, यार इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, वरुण हो गया, पुलकित हो गया, ये सब इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं. तो फिर जब मैंने इनको चेकआउट किया, इनके गाने चेकआउट किए, फिर इनसे मैं मिला और फिर इनके गाने सुने, तो मैंने बोला भाई प्लीज़ मुझे कुछ गाने दे दो, आपके गाने बहुत अच्छे, मेरे भी कुछ हिट गानों की लिस्ट बढ़ जाएगी. तो मैंने बोला चलो लेट्स डू समथिंग टुगेदर. ये बहुत ज़्यादा ये ग्राउंडेड होके ये बात बोल रहे हैं. मैं आपको दिल से बोलता हूँ, मतलब मैं इनके साथ काम करना चाहता था तो इसलिए मैंने इन्हें अप्रोच किया. और मैंने और इन्होंने आगे से बोला, नहीं पाजी वरुण भाई आपके बहुत जिक्र करते हैं. तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार अच्छा मतलब अगर मेरे गाने वो महफिल में सबको सुनाते हैं. तो मैंने उनको भी कॉल करके थैंक यू बोला. मैंने स्टेवन भाई को कॉल किया था, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आप सबको मेरे गाने सुनाते हो. वरना मुझे यूँ लगता है कि शायद यहाँ इस शहर में किसी के लिए अगर कोई कुछ करता है तो वो बहुत बड़ी बात है. क्योंकि ये बहुत, मैं पंजाब से आया हूँ पाजी, हमारा तो वहाँ अलग हिसाब चलता है. यहाँ पे आके थोड़ा लगता है कि नहीं अगर इस शहर में कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो शायद कुछ तो कमाया होंगे. तो मैं, इसी मैं, शहर मैं, में आपके लिए इतने लोग आए, आपको प्यार दे रहे हैं और
इससे बढ़कर कहती बारिश में वो भी देखो, प्यार मिल रहा है बॉम्बे वाले प्यार दे रहे हैं। उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सबको, और मैं जेन्युइनली और बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ कि ये आदमी के इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मतलब कि मुझे इनसे प्यार हो गया, मतलब वो वाला नहीं बट प्यार हो गया। आई लव हिम। एंड आप म्यूज़िक पूछ रहे थे कि इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हम पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब मेरी तरफ से आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम। ये बोलेंगे ना भाई आधे घंटे में गाना चाहिए, तो उनके पास आधे घंटे में गाना पड़ेगा। 100% बिल्कुल 100%। अभी यही जो गाना हम लोगों ने किया है, इसी गाने को हमने अपने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है हमारे देश में, कि हमारे देश में ना कोलैबोरेशन बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप देखोगे चाहे वो मेल फीमेल थे, चाहे वो पहले के सिंगर जैसे करते थे, जैसे कुमार सानू जी, अलका जी, उदित जी, अलका जी, और उसके बाद आज भी जैसे आप देखो अरिजीत जी, श्रेया जी, सब जो कोलैबोरेशन है, चाहे वो मेल मेल सिंगर्स क्यों ना कर रहे हो, तो क्यों ना एक नया ट्रेंड ये लेकर आना है कि कोलैबोरेशन करना। और जब भी हम साथ में शो करेंगे तो इन गानों को साथ में परफॉर्म करेंगे। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली पूछ के अरे गाना भाई अब आपको आएगा। यस तो बिल्कुल मैं कुछ लाइन आप सबके लिए गा देता हूँ। तू ही खुदा से पहले और क्या कहूँ मैं, तू ही मेरे जीने की वजह। भूला मैं रास्ते सारे अब क्या करूं मैं, दिल ये जाने तेरा ही पता। देखा है तुझे जब से हाँ पहली दफा, सुनी थी जो कहानियों में तू वो वफा, कुछ भी नहीं ऐसे जो है तुझसे छुपा। सब तो कह दिया है तेरे बाजो जी नहीं लगता, एक पल भी सजना तू आ जाना है, आ जाना। तेरे बाजो जी नहीं लगता, एक पल भी सजना तू आ जाना है, आ जाना। सजना सजना मुझे नहीं लगता इस गाने के लिए इससे अच्छी आवाज मुझे मिल सकती थी। भाई एक बार फिर दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप इतने खूबसूरत गाने बनाएंगे तो हम उनको ऐसी दिल से खूबसूरत तरीके से सिखाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबसे खास लाइन जो जो इनने गाए वो तो प्लीज इनसे सुन लो यार। आ जा पास में पिया के तेरे बिना लगता ना जिया रे, दिल दिया धड़कना ले दिया तेरा ना। दिल दिया धड़कना ले दिया तेरा ना। भूल चुका मैं सबको, भूल चुका हूँ मैं दुनिया रे, दिल दिया धड़कना ले दिया तेरा ना। हो दिल दिया धड़कना ले दिया तेरा ना। आप कहोगे सिंगर बहाने मारते रहते, गला सच में बैठो मैं। ओ यार तनु रब दा वास्ता, तू दस कोई ऐसा रास्ता जो तेरे मेरे दिल को दे मिला। ओ साजना तू आ जाना है, आ जाना, तू आ जाना है, आ जाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।